नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर सकें। तो दोस्तों, हम लोग चल रहे थे एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी के एमसीक्यूज कर रहे थे, जिसमें 201 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए न्यू क्रॉप विच इज द सोर्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस इन लुब्रिकेंट, यानी कि 201 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीमोंटसिया चाइनेंसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 202 ए कह रहा है विच इज इंक्लूडेड इन बायो एनर्जी, और 202 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ह्यूमन मसल पावर ड्रॉट एनिमल पावर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 203 ये कह रहा है ह्यूमन मसल पावर यानी कि HMP अकाउंट फॉर, यानी कि 203 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन इंडिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 204 ही कह रहा है कि बायोफ्यूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि 204 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वुड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल रेसिड्यूज या पेट्रोकार्बन, क्या आप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 205 ये कह रहा है सबस्ट्रेट यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन, यानी कि 205 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 205 का राइट आंसर हो जाएगा एनिमल वास्ट, एक्वेटिक वास्ट, नाइट फॉयल या ऑल ऑफ दी। तो ऑल ऑफ दी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 206 ये कह रहा है अर्लीस्ट इफोर्ट टू कल्टिवेट पेट्रोकार्ब वेयर मेड इन, यानी कि 206 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथियोपिया, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 207 एक कह रहा है सैप ऑफ विच प्लांट इज कंसीडर्ड एज ए गुड सब्स्टिट्यूट फॉर डीजल ऑयल, 207 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोपाइफेरा लॉन्ग्स डॉर्फाई, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 208 ये कह रहा है मोस्ट कॉमन पेट्रोक्रॉप फैमिलीज आर, यानी 208 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 208 का राइट आंसर यूफोरबियासी एंड एस्केल्पिडियासी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 209 ये कह रहा है डेप्लीटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी 209 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 210 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो 210 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 211 ये कह रहा है कि फॉर बायोगैस प्रोडक्शन बिसाइड्स डंग विच ऑफ द फॉलोइंग वीट्स इज रिकमेंडेड इन आवर कंट्री, यानी कि 211 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकॉर्निया क्राइसिस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 212 ये कह रहा है गुड फायरवुड मस्ट नॉट बी, यानी कि 212 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिसिनस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 213 ये कह रहा है विच ऑफ दीज इज ए पुअरर सोर्स ऑफ फ्यूल वुड, यानी कि 213 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाइनस रॉक्सबर्ग आई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 204 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, 214 का राइट आंसर वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 215 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी डज नॉट काज पॉल्यूशन, यानी 215 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 216 ये कह रहा है एलपीजी कुकिंग गैस इज, यानी 216 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 217 ये कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, यानी 217 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 218 कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल आर कोल पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, 218 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉसिल फ्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 219 ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी अकर्स, यानी कि 219 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिविंग सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 220 कह रहा है द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रल
पावर प्लांट, यानी कि 220 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल एंड नॉन पॉल्यूटिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 221। ये कह रहा है बायोगैस प्रोडक्शन रेट इज लिमिटेड बाय, तो 221 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 222। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेट्रोलियम प्लांट, यानी 222 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 4B इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 223। सोशल फॉरेस्ट्री एम एट मेकिंग अवेलेबल, एंड 223 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फायरवुड फोडर माइनर टिम्बर ऑल ऑफ दी, तो ऑल ऑफ दी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 224। ए कह रहा है द परसेंटेज ऑफ मीथेन इज बायोगैस इज, यानी 224 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70। अब सर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 225। ये कह रहा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इज, यानी कि 225 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 226। ये कह रहा है नॉन रिन्यूएबल सबस्टांस और रिसोर्स इज, यानी कि 226 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा फॉसिल एंड मिनरल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 227। ए कह रहा है फ्यूएल वुड इज, यानी कि 227 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 228। ए कह रहा है ए स्पीसीज सेलेक्टेड फॉर एनर्जी प्लांटेशन मस्ट नॉट बी, 228 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लो ग्रोइंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 229। ये कह रहा है नेचुरल हीट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, तो 229 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जियो थर्मल एनर्जी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 230। ये कह रहा है द पॉइनर कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूएल एल्कोहल इज, 230 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्राजील इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 231। 231 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर डिफिशियंट इन कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी, यानी 231 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरेला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 232। ये कह रहा है पेट्रोलियम रिसोर्सेज इज, यानी कि 232 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 233। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोलर एनर्जी कन्वर्टर, तो 233 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरेला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 234। ये कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो 234 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एनिमल एनर्जी यूज्ड मोस्ट इफिशियंटली, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 235। ये कह रहा है एनर्जी प्लांटेशन डिफर फ्रॉम एनर्जी क्रॉपिंग इज बीइंग, तो 235 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ फ्यूल यूज्ड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 236। ये कह रहा है गैसोहॉल मिक्सचर इज यूजफुल एज, यानी 236 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोमोबाइल फ्यूएल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 237। ये कह रहा है विच ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉन रिन्यूएबल, तो 237 का राइट आंसर कोल रिजर्व इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 238। ये कह रहा है द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इज कॉल्ड, यानी 238 का राइट आंसर बायो एनर्जी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 239। थर्मल पावर जनरेशन इज, यानी कि 239 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल पॉल्यूटिंग, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 240। ए कह रहा है विच वन ऑफ दीज आर नॉट कनेक्ट करेक्टली मैच्ड, 240 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूएल वुड एनी टाइप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 241। ये कह रहा है कि मैक्सिमम सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड बाय, यानी कि 241 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप आर ग्रोइंग एल्गी इन लार्ज टैंक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 242। ये कह रहा है बिसाइड डंग द वीट कैन बी यूज इन बायोगैस प्रोडक्शन इज, यानी 242 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकार्निया क्रैसिप्स, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 243। ये कह रहा है कि गोबर गैस कंटेंट मेनली, 243 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 244। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बायोफ्यूल, तो 244 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वुड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नाउ मोस्ट क्वेश्चन 255 एक है 245 ये कल्टीवेशन ऑफ मोर फ्यूल वुड ट्री इज नोन एन तो नोन एज एन 245 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एनर्जी प्लांटेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मोस्ट क्वेश्चन नंबर 246 ये कह रहा है द कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस यानी बायोगैस आर तो 246 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मोस्ट क्वेश्चन नंबर 247 ये कह रहा है ग्रोइंग ऑफ प्लांट ऑफ एल्कोहल प्रोडक्शन इज कॉल्ड तो 247 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एनर्जी क्रॉपिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मोस्ट क्वेश्चन नंबर 248 ये कह रहा है पायरोलिसिस ऑफ वुड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यील्डिंग यानी 248 का राइट आंसर क्या हो जाएगा चारकोल गैस एंड ऑयल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मोस्ट क्वेश्चन नंबर 249 ये कह रहा है प्रोड्यूसर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाई ऑफ वुड यानी 249 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 249 का राइट आंसर गैसिफिकेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मोस्ट क्वेश्चन नंबर 250 ये कह रहा है प्रोड्यूसर गैस कंसिस्ट ऑफ तो 250 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मोस्ट क्वेश्चन नंबर 251 ये कह रहा है कि सोर्स ऑफ बायो एनर्जी आर तो 251 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बायोफ्यूल एंड एनिमल एनर्जी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मोस्ट क्वेश्चन नंबर 252 ये कह रहा है मोर एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाई तो 252 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट बोरिंग ऑफ काउ डंग यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मोस्ट क्वेश्चन नंबर 253 ये कह रहा है बेस्ट वुड एज फ्यूएल इज 253 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हार्ड वुड हाईली कंबुसिबल हैविंग हाई क्लोरीफिक वैल्यू यानी क्या ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 254 ये कह रहा है कि मैक्सिमम एल्कोहल प्रोडक्शन इज फार्म यानी कि 254 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सैक्रम ऑफिसिनेरा में ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 255 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट लास्ट स्टेज ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन 255 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मिथेनोजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 256 एट 50% मिथेन कंटेंट क्लोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज तो 256 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 4,429 किलो कैलोरी मीटर क्यूब यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 257 ए कह रहा है विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन तो 257 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 257 का राइट आंसर हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ पॉलीमर इनटू सोल्यूबल मोनोमर एरोबिकली ऑप्शन ई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 258 कह रहा है कि 258 कह रहा है एनर्जी क्रॉपिंग इज द रेजिंग ऑफ क्रॉप लाइक एंड 258 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बीट मेज में पोटैटो शुगर कैन ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 259 ये कह रहा है पेट्रो प्लांट वेयर फर्स्ट रिकॉग्नाइज बाई 259 का राइट आंसर ये हो जाएगा एम कैलविन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 260 ये कह रहा है प्रॉपर द एंड एफिशियंट यूज द बायोफ्यूल में सॉल्व एनर्जी प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया बिकॉज दीज आर 260 का राइट आंसर क्या हो जाएगा रिन्यूएबल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 261 ये कह रहा है विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वुड यानी कि 260 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ईजी टू ड्राई एंड नॉन स्प्लिटिंग नेचर ऑन बर्निंग यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 262 यानी कि 262 कह रहा है कि गैसो हॉल इज यानी कि 262 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 10% एल्कोहल प्लस 9% पेट्रोल ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 263 कह रहे हैं मोस्ट कॉमन बास्ट बायोफ्यूल बींग यूज नाउ डेज इज यानी कि 263 का राइट आंसर क्या होगा फ्यूएल वुड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 264 कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स 264 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यूफोरबिया
एंटी स्फीलिटिका, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 265 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ बोथ पावर एंड मैनोर। 265 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बायोगैस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 266 ये कह रहा है प्लांट रेस्ट फ्रॉम ए सिंगल जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन अंडर कल्चरल कंडीशंस इज रिफर्ड टू ए, यानी 266 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हैप्लॉइड प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 267 ये कह रहा है हैप्लॉइड प्लांट कैन बी ऑब्टेंड बाय कल्चरिंग, एंड 267 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोलन ग्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 268 ये कह रहा है फार्मर हैव रिपोर्टेड ओवर 50% हायर यील्ड ऑफ राइस बाय यूजिंग द बायो फर्टिलाइजर, एंड 268 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो एजोला पिनाटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 269 ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ये नॉन सिम्बियोटिक बायो फर्टिलाइजेशन, तो 269 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एजोटोबायोटिक वैक्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 270 ये कह रहा है बायोलॉजिकल कंट्रोल कंपोनेंट इज कंट्रोल टू एडवांस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड। 270 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फेरोमोन्स राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 271 ये कह रहा है द रीजन वाई वेजिटेबली प्रोड्यूसिंग क्रॉप प्लांट्स आर बेस्ट सूटेड फॉर मेंटेनिंग हाइब्रिड वेगर इज दैट, यानी कि 271 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वंस ए डिजायर्ड हाइब्रिड हैज बीन प्रोड्यूस्ड देयर आर फ्यू चांस ऑफ लूजिंग इट, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 272 ये कह रहा है क्वारंटीन रेगुलेशन आर कंसर्न विद, 272 का राइट आंसर प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिजीज प्लांट इन कंट्री, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 273 ये कह रहा है कि एजोला पिनाटा इज एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर फॉर, 273 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 274 कह रहा है बेस्ट मेथड ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इज टू, यानी 274 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंटेन देम वेयर दे आर इन विल्ड प्लेस लाइक फॉरेस्ट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 275 ये कह रहा है विच पेस्टिसाइड गेट क्विकली डिपोजिटेड इन मैमेलियन बॉडी फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, तो 275 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 276 ये कह रहा है विच इंसेक्टिसाइड इज मोर स्टेबल इन एनवायरमेंट, एंड 276 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DDT इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 277 ये कह रहा है एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ काउ ड्यूडंग एंड एग्रीकल्चर वास्ट फॉर बायोगैस प्रोडक्शन यूटिलाइज विच ऑर्गेनिज्म, 277 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइनोबैक्टीरियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 278 कह रहा है एट प्रेजेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट का ड्विंडलिंग बायोडाइवर्सिटी इज प्रोबेबली, 278 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 279 कह रहा है एक्टोमाइकोराइजा इज प्रेजेंट इन पाइन ओक एंड, तो 279 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूकेलिप्टस ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 280 ये कह रहा है मोस्ट ऑफ द पेट्रोकार्प बिलोंग टू फैमिली, एंड 280 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा U4BSC इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 281 कह रहा है कि अनलाइक केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल इज, यानी कि 281 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्फ परप्यूरेटिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 282 कह रहा है थर्ड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड आर 282 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
फेरोमोन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 283 एक कह रहा है विच सेल इज टोटिपोटेंट है। 283 का राइट आंसर क्या है मेरी स्टीमेटिक सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 284 हैप्लॉइड प्लांट कैन बी ऑब्टेंड बाय कल्चरिंग है। 284 का राइट आंसर क्या हो जाएगा पोलन ग्रेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 285 ये कह रहा है द बायो फर्टिलाइजर प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट इज एन। 285 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंकिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 286 इन हाई यील्डिंग हाइब्रिड क्रॉप वेराइटीज ऑफ एक्सप्लॉइट हाइब्रिड वेगर द फार्मर नीड टू परचेज फ्रेश हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर बिकॉज इन। 286 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हाइब्रिड वेगर इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग ड्यू टू इन ब्रीडिंग डिस्प्रेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 287 एक कह रहा है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। 287 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मोर यील्ड बेटर क्वालिटी स्ट्रेस रेजिस्टेंस ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 288 एक कह रहा है विच इज मेन क्रॉप ऑफ एशिया। तो 288 का राइट आंसर क्या हो जाएगा राइस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 289 ये कह रहा है माइकोराइजा इज यूजफुल फॉर द प्लांट मेनली ड्यू टू एन। 289 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इनहेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉयल ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 290 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल फॉरेस्टिंग स्पीसीज विद मल्टीपल यूटिलिटी। 290 का राइट आंसर क्या हो जाएगा लैसिना लाइकोसिफेला। तो इसका ल्यूकोसिफेला तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 291 ये कह रहा है सम ऑफ ऑल द जीन ऑफ पॉपुलेशन इज नोन है। तो ये कह रहा है सम ऑफ ऑल द जीन इन ए पॉपुलेशन इज नोन है। तो 291 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जीन पूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 292 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ बायो फर्टिलाइजर। 292 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एजोला एंड बी जी एज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 293 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायो वेपन यानी कि 293 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्लेग बैक्टीरिया स्मॉल पॉक्स बैक्टीरिया एंथ्रेक्स बैक्टीरिया राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 294 ये कह रहा है इमेस्कुलेशन इज ए पार्ट ऑफ। तो 294 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 295 एक सम ब्लू ग्रीन एल्गी कैन बी यूज्ड एज फॉर बायो फर्टिलाइजर बिकॉज यानी कि 295 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दे फिक्स नाइट्रोजन ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 296 एक हैप्लॉइड प्लैनेट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। तो 296 का राइट आंसर क्या हो जाएगा पोलन कल्चर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 297 एक है एन एग्जांपल फॉर इन सीटू बायोलॉजिकल कन्वर्सेशन विद मेथड इज टू एस्टेब्लिश्ड यानी 297 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 298 एक कन्फ्यूजन टेक्निक इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एन। 298 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फेरोमोन्स राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 299 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट्स विद नाइट्रोजन थ्रू नॉन पॉल नोडुलेशन यानी 299 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा रूट ऑफ मेज एसोसिएटेड विद स्पिरुलिनम नोटैटम कोरलाइड रूट ऑफ साइकस इन एसोसिएशन विद एनाबिना रूट ऑफ डिजिटेरिया इन एसोसिएशन विद स्पिरुलिनम नोटैटम ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 300 ये कह रहा है मेजर थ्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ इज एंड। 300 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 301 ये कह रहा है बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड एंड। 301 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन यानी माइक्रोराइजा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 302 एक है बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय एनएरोबिक डिकम्पोजिशन यूज्ड इन कंबुशन इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यानी 302 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेथेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 303
कराई प्रिजर्वेशन इज डन एट टेम्परेचर एंड 303 का राइट आंसर क्या हो जाएगा -196 डिग्री सेंटीग्रेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 304। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर इन क्रॉप फील्ड एंड इन सैंडी सॉयल। 304 का राइट आंसर क्या हो जाएगा क्रोटोलेरिया जेंसिया एंड एलगाई कॉमिलोरम यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 305 कह रहा है कि इन क्रॉस सेल्फ फर्टिलाइज प्लांट द फ्लावर आर फर्स्ट इमस्कुलेटेड विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट इज रिमूव्ड इन दिस प्रोसेस। तो ऑप्शन 305 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टेमेन और एंथर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 306। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन राइस फील्ड यानी 306 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एजोला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 307। ये कह रहा है एजोला हैज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद 308 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 308 का राइट आंसर कह रहा है कि 307 एजोला है सिम्बियोटिक रिलेशन विद यानी कि 307 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एना बीना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 308। ये कह रहा है एजोला इज यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर बिकॉज इट यानी कि 308 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हैज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 309। ये कह रहा है फेरोमोन्स आर बेसिकली यानी कि 309 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इंसेक्ट हार्मोन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 310। ये कह रहा है द चांस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम स्मॉल पॉपुलेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 310 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 311। ये कह रहा है डाइवर्सिफिकेशन इन प्लांट लाइफ अपीयर्ड तो 311 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 312। ये कह रहा है इन इंडिया व्हीट यील्ड रिवॉल्यूशन इन 1960 वाज पॉसिबल प्राइमरली ड्यू टू तो 312 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा म्यूटेशन रिजल्टिंग इन प्लांट हाइट रिडक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 313। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यानी 313 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हर्बिसाइड्स किल प्लांट मोस्टली बाय ब्लॉकिंग PSH यानी कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड ओकेजनली फ्लोएम ट्रांसपोर्ट यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 314। 314 कह रहा है कि द प्रोटीन टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया विच इज यूज टू कंट्रोल बायोलॉजिकल पेस्ट 314 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बैसिलस थुरीजेंसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 315। ये कह रहा है मोस्ट रिसेंट इंसेक्टिसाइड्स इन इंडिया आर यानी 315 का राइट आंसर क्या हो जाएगा पायरीथ्रॉइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 316 कह रहा है हाई कंटेंट ऑफ लाइसिन इज प्रेजेंट इन 316 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वीट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 317। ये कह रहा है कैरेट इज माइक्रो प्रोपाइगेटेड थ्रू यानी 317 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कैलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 318। ये कह रहा है हैप्लॉयड फ्रॉम एंथर कल्चर वेयर फर्स्ट ऑप्टेंड इन 318 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दतुरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 319। ये कह रहा है सोमैटिक हाइब्रिड आर प्रोड्यूस्ड बाई तो 319 का राइट आंसर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 320 कह रहा है कि द फॉलोइंग लिस्ट यानी कि 320 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 320 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ए का पांचवा हो जाएगा बी का चौथा हो जाएगा सी का पहला हो जाएगा और डी का तीसरा हो जाएगा। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 321। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज डिस्क्राइब द कंपोनेंट आइसोलेटेड फ्रॉम ए प्लांट फॉर इन विट्रो कल्चरिंग इन द स्पेसिफिक मीडियम।
यानी कि 3-2-1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सप्लांट। एक्सप्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3-2-2। 3-2-2 कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज एन सी इन सी टू मेथड ऑफ कन्वर्सेशन। यानी 3-2-2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेशनल पार्क इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3-2-3। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोगैस। यानी कि 3-2-3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेथेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3-2-4। ये कह रहा है सोमाइक्लोनल वेरिएशंस अपीयर्ड इन। यानी कि 3-2-4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो टिश्यू कल्चर रेंज प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3-5। ये कह रहा है ए डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। 3-5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैथोजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3-6। ये कह रहा है कि ए मीजोबायोटिक कॉज ऑफ डिजीज इज। यानी कि 3-6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3-7। ये कह रहा है ईयर कोकल डिजीज ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय। 3-7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निमेटोड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3-8। ये कह रहा है स्पीसीज ऑफ पक्सीनिया काज। यानी 3-8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रस्ट डिजीज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3-9। ये कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ सूटी पाउडर इज द सिम्पटम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाई। तो 3-9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्टिलेगो इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3-3-0-0। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज्ड ए डिजीज विद रिजल्टेड इन फेमस फेमाइन ऑफ आयरलैंड। तो 3-3-0 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइटोप्थोरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3-3-1। ये कह रहा है कि ए कंटिन्यूअस इम्पेयरमेंट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड। यानी कि 3-3-1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिजीज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3-3-2। ये कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। 3-3-2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फंजाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3-3-3। ये कह रहा है कि डिजीज कॉज्ड बाई वायराइड्स। यानी कि 3-3-3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3-3-4। ये कह रहा है इफ वीट फील्ड इन इन इनोकुलेटेड विद राइजोबियम देन द इफेक्ट ऑन द नाइट्रोजन ऑफ द सॉयल। यानी 3-3-4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन रिमेन अनचेंज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3-3-5। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यानी कि ट्रू। यानी 3-3-5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी यानी कि ए ओनली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3-3-6। ये कह रहा है कि ऑन ऑफ द इक्सीटू कंजर्वेशन मेथड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। यानी 3-3-6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3-3-7। ये कह रहा है कि एन इंस्टीट्यूशन वेयर वैल्यूएबल प्लांट मटेरियल लाइकली टू बिकम इन ट्रेविलिटी लॉस्ट इन द वाइल्ड और इन कल्टिवेशन इज प्रिजर्व्ड इन वियेबल कंडीशन इज नोन एज। तो 3-3-7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीन बैंक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3-3-8। ये क्या है, बायो पेस्टिसाइड डू नॉट कंट्रोल। तो 3-3-8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरसेस निमेटोड। यानी कि ऑप्शन ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3-3-9। ये कह रहा है इन मेज हाइब्रिड वेगर इज एक्सप्लोटेड बाई। 3-3-9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ऑफ टू इन ब्रीड पैरेंटल लाइन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3-4-0। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर। 3-4-0 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैसिलस थुरिंजेंसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3-4-1। ये कह रहा है कि ट्राइकोडर्मा हार्जिनम
हैज प्रूव्ड एज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर, यानी 341 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉयल बॉर्न प्लांट पैथोजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 342। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग ट्राइड इन इंडिया एज ए बायोफ्यूल सब्स्टिट्यूट फॉर फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि 342 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेट्रोफा इज राइट आंसर, जेट्रोफा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 343। ये कह रहा है पोलन ग्रेन ऑफ ए प्लांट हुज 2N इज इक्वल टू 28 यानी 28 आर कल्चर्ड टू गेट कैलस बाई टिश्यू कल्चर मेथड, वाट वुड यू बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल्स ऑफ द कैलस। 343 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 344। ये कह रहा है कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड न्यू एंड बेटर वेराइटीज ऑफ प्लांट कैन बी फार्मड। 344 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाई सेक्शन सेलेक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 345। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज ए बायोपेस्टिसाइड। 345 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 346। ये कह रहा है द बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजेंसिस इज वाइडली यूज्ड इन कंटेम्पोरेरी बायोलॉजी इज, एंड 346 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसेक्टिसाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 347। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग पेयरिंग ऑफ डिजीज एंड इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म। 347 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 348। ये कह रहा है मेज हाइब्रिड्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर हायर अमाउंट ऑफ, तो 348 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 349। ये कह रहा है ब्रीडिंग एंटीजीज रेसिस्टेंट रिक्वायर्स, यानी कि 349 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुड सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस प्लांट हाइब्रिडाइजेशन डिजीज टेस्ट आर ऑफ द एबव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 350। ये कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो 350 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिथेनोबैक्टीरियम इज एनारोबिक बैक्टीरियम फाउंड इन रूमन ऑफ कैटल एंड यूज इज गोबर गैस प्लांट, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 351। ये कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड, तो 351 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन सीटू कंजर्वेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 352। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, तो 352 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीड बैंक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 353। ये कह रहा है कि ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर पोटेंशियली यूजफुल है, तो 353 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोपेस्टिसाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 354। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज बायो वेपन, यानी 354 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैसिलस थुरिंजेंसिस टॉक्सिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 355। ये कह रहा है द मेथड ऑफ ब्रेकिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू इज कॉल्ड, एंड 355 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोफोर्टिफिकेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 356। ये कह रहा है स्टेपल फूड क्रॉप लाइक वीट मेज एंड राइस आर लो इन माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो 356 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए आयरन जिंक आर ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 357। ये कह रहा है पोटैटो बायोफोर्टिफाइड विद बीटा कैरोटीन हैज रिड्यूस्ड द इंसिडेंस ऑफ इन चिल्ड्रेन, यानी 357 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 358। ये कह रहा है मेरी स्टेम कल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन हॉर्टिकल्चर टू गेट, यानी 358 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जगह वायरस फ्री प्लांट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 359। ये कह रहा है रोटीनिन इज ए, 359 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बायो इंसेक्टिसाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 360। ये कह रहा है पीसेस ऑफ प्लांट टिश्यू यूज्ड इन टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड इन 360 का राइट आंसर एक प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 361। ये कह रहा है एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप इज, यानी कि 361 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइजोबियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 362। एक कह रहा है सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली ए, यानी 362 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 363। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायो फर्टिलाइजर, 363 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्रो बैक्टीरियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 364। इस 364 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो 364 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैंगो इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 365। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट डिजीज यूजिंग माइक्रोब्स, एंड 365 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजेंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 366। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग, एंड 366 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर डीएनए यानी साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 367। ये कह रहा है इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट इज दैट ऑफ, यानी कि 367 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 368। कह रहा है कि ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैसेस आर प्रोड्यूस्ड विच इंक्लूड्स, यानी 368 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 369। ये कह रहा है कि इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स द एंटायर कलेक्शन एनी ऑफ प्लांट और सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर जीन्स इन ऑल जीन्स इन ए गिवन क्रॉप इज कॉल्ड, एंड 369 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्म प्लाज्म कलेक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 370। ये कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब बाई, 370 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक एंड रैंडम मैटिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 371। 371 कह रहा है वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद पॉपुलेशन कैन अकर बाई चांस रादर देन बाई नेचुरल सेलेक्शन, दिस इज रिफर्ड टू एज, 371 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 372। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर एक्स सी टू प्लांट कंजर्वेशन, 372 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 373। ये कह रहा है व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एनएरोबिक स्लजेज डाइजेस्टर, एंड 373 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 374। ये कह रहा है इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन बोथ एपिकल एंड एक्जिलरी बड्स आर फ्री ऑफ वायरस बिकॉज, 374 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द सेल डिवीजन ऑफ मेरिस्टेम्स आर फास्टर दैन द रेट ऑफ वायरल मल्टीप्लीकेशन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 375। ये कह रहा है यूज ऑफ सर्टेन केमिकल एंड रेडिएशन टू चेंज द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन ऑफ क्रॉप्स प्लांट इज टर्म्ड, 375 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेच्योरेशन ब्रीडिंग, ऑप्शन म्यूटेशन ब्रीडिंग, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 376। ये कह रहा है द साइंटिफिक प्रोसेस बाई विच क्रॉप प्लांट आर इनरिच्ड विद सर्टेन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड, 376 का राइट आंसर बायो फोर्टिफिकेशन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 377। ये कह रहा है कि द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज, 377 का राइट आंसर विटामिन B12 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 378 कह रहे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन 378 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एक्टिवेटेड स्लजेज ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 379 ये कह रहा है माइकोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन यानी कि 379 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग इट्स रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉमोब्स क्वेश्चन नंबर 380 एक है द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग इज यानी 380 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यूज एज मैन्योर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉमोब्स क्वेश्चन नंबर 381 एक आ रहा है कि मिथेनोजेंस टू डॉट प्रोड्यूस यानी 381 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉमोब्स क्वेश्चन नंबर 382 ये कह रहा है टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन इज यानी 382 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉमोब्स क्वेश्चन नंबर 383 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंसेस और इंक्लूड्स फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म यानी कि 383 का राइट आंसर क्या हो जाएगा पॉली एरिथिन ग्लाइकॉल एंड सोडियम नाइट्रेट ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉमोब्स क्वेश्चन नंबर 384 ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन 384 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इन सीटू कंजर्वेशन नेशनल पार्क यानी इन सीटू कंजर्वेशन बॉटेनिकल गार्डन ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉमोब्स क्वेश्चन नंबर 385 कह रहा है कि क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इनविएबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रिफर टू एज 385 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये जो एडवांस एक सी टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉमोब्स क्वेश्चन नंबर 386 एक कह रहा है विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाई मेलिगो डाइगिनी इनको गिनीटा यानी कि 386 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 386 का राइट आंसर रूट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉमोब क्वेश्चन नंबर 387 ये कह रहा है ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज यानी कि 387 का राइट आंसर क्या हो जाएगा नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉमोब क्वेश्चन नंबर 388 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव्स सस्पेंडेड सॉलिड्स यानी कि 388 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉमोब क्वेश्चन नंबर 389 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम 389 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साइक्रोमाइसिस सेरेविसिस इथेनॉल ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 390 ये कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंड्यूस्ड इन एक्स सी टू कंजर्वेशन एक्सेप्ट 390 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सेक्रेट ग्रुप्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 391 ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इन सी टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो 391 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बोटानिकल गार्डन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉमोब क्वेश्चन नंबर 392 ये कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट 392 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ट्राइकोडर्मा बैकुलोबियोवायरस यानी कि बैसिलस थुरिंजेंसिस ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉमोब क्वेश्चन नंबर 393 ये कह रहा है इन मंग बीन यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ एलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिड वेयर ब्रॉड अबाउट बाई तो 393 का राइट आंसर हो जाएगा म्यूटेशन ब्रीडिंग ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नॉमोब क्वेश्चन नंबर 394 ये कह रहा है कि ए बॉटनिकल एजेंट टू बी ए पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी यानी 394 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्पीसीज स्पेसिफिक एंड इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों सेशन को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द अपलोड कर सकें सो मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग नीट बायो चैनल थैंक्स